नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं मेरठ की ओर, जहां खुले आसमान के नीचे ठंड से ठिठुर रहे गरीब लोगों को पुलिस ने वितरित किए कंबल। मेरठ जनपद के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस ने बेसहारा और गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें गर्म कंबल बांटे। ट्रांसपोर्ट थाना अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता अपने इस मानवीय कार्य को लेकर चर्चा में हैं। उनके इस नेक कार्य का उल्लेख पीएम मोदी अपने चर्चित कार्यक्रम मन की बात में भी उल्लेख कर चुके हैं। मेरठ से शहजाद शेख की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। दोबारा बैठे भाव जब अब एक चले जाएंगे 12-1 बजे, फिर अपने घर पे चले जाएंगे। क्या कर रहे हैं गुजारा, ऐसे कमाते भाव जी 200-250 रुपये बस, घर भर दाल रोटी चल रही है बस। क्या पुलिस मदद करती? हाँ करती भाव जी, सब करते हैं। कम्बल अम्बल दे देती है? हाँ दे देती है, खाना भी दिया लॉकडाउन में। हाँ सब भैया, जिस तरीके से आप लोग कंबल बांट रहे हैं, क्या नौकरी का पार्ट है, कोई शासनादेश है या इंसानियत अभी जिंदा है? नहीं, अभी ये जो हमारे रात्रि कर्मचारी जो गश्त करते हैं, रोजाना देखते हैं, ठंड में लोग यहाँ ठिठुरते रहते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया और फिर सभी थाना स्टाफ ने निर्णय लिया। हम लोगों ने कुछ कंबल खरीदे जो इन लोगों को सर्दी में दे दिया जाए, जिससे सर्दी से बचे रहे। तो अभी रोजाना मिल जाते हैं? रहते तो रोजाना ही रहे, जहाँ जहाँ हमारे क्षेत्र में संभव होता है तो हमारी पुलिस द्वारा जो है उन्हें ठंड से बचाव के लिए जो है कंबल या आग जलाने के लिए लकड़ी जो भी उपलब्ध करा दी जा रही है।